21 नवंबर 2023 को संविधान के प्रति सत्य निश्चय कर उसकी अनुपालना में शपथ लेते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। वहीं संविधान दिवस के चलते महाविद्यालय प्रांगण में स्वीप कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें 17 वर्ष से अधिक उम्र और 18 साल के बच्चों का वोटर आईडी बनाया गया। साथ ही विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और स्वीप की प्रभारी हूं। और आज के दिन यानी कि 26 नवंबर 2022 को ये शपथ इसलिए ली जा रही है क्योंकि 1949 मतलब आज ही के दिन 1949 में जो हमारा संविधान, जो कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वो आज पूर्ण हुआ था। और आज के दिन ही इस संविधान को लेकर के ये जो एक शपथ ली गई थी कि हम हमारे जो राष्ट्र की जो गरिमा है उसको निरंतर रखेंगे और साथ ही जो हमें हमारे देश पे गर्व भी करना चाहिए, साथ ही पूरा समर्पित रहना चाहिए एक देशभक्त के रूप में। आज हम संविधान दिवस के अवसर पर स्वीप का भी हम कार्य आज कर रहे हैं। इस तरह का आज है कि हम जितने भी हमारे जो विद्यार्थी हैं जिन जो 17 प्लस हैं और जो 18 के हो गए हैं उनका आज हम वोटर आईडी हम बनवाएंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो एक क्लस्टर कैंप आयोजित किया जा रहा है जिसमें सब विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम प्रेरित करेंगे कि वो, क्योंकि अब वोटर बन रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं वोटिंग करने के लिए, तो इसलिए उनका हम परिचय पत्र बनवाएंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, और इसमें संविधान जो हमारा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसके पूर्ण होने पर, यानी जो लिखने की प्रक्रिया थी वो पूर्ण होने पर आज शपथ दिलाई गई है और ये संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1950 को ये बनकर पूर्ण हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 26 जनवरी 1950 को हमने उसको अंगीकृत किया और भारत स्वतंत्र भारत से एक गणतंत्र भारत के रूप में परिवर्तित हुआ। तो आज इसी मौके पर, इस अवसर पर जो एक राष्ट्र के नाम संदेश है, नई पीढ़ी को एक जागृत करने के लिए, उनमें संदेश देने के लिए कि राष्ट्र के प्रति वह समर्पित रहे, संवैधानिक व्यवस्था को करे, राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखे, उस हिसाब से ये शपथ का आयोजन किया गया था। राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कई सहशैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना है, एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स हैं, स्वीप का है, महिला प्रकोष्ठ है, उन सारी जितनी भी आज़ादी का अमृत महोत्सव वाली समिति हैं, इन सभी समितियों ने मिलकर ये आज बच्चों के साथ मिलकर और उन जो समितियों के पदाधिकारी हैं, जो यहाँ प्राध्यापक हैं जिनके ऊपर ये कार्यभार है, उन सभी ने मिलकर ये कार्य शपथ ग्रहण कराकर बच्चों के साथ में पूर्ण करवाया। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में रह गया सिर्फ एक साल का समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और YouTube पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग, यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448, देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206।